नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 2 अप्रैल दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में अतिथि शिक्षक और पुलिस के बीच झड़प। बिहार के मंत्रियों को सरकारी बंगला आवंटित। सम्राट चौधरी को मिला तेजस्वी यादव का बंगला। निष्पक्ष मतदान के लिए चुनाव आयोग सख्त। स्लीपर कोच में टिकट लेने पर एसी में ऐसे करें अपग्रेड। एक वाहन एक फास्टैग नियम हुआ लागू। आईपीएल 2024 में आज आरसीबी का लखनऊ की टीम से होगा मुकाबला। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 660 पदों पर निकाली भर्ती। इंटेलिजेंस ब्यूरो भर्ती 2024 के तहत 660 पदों पर नियुक्तियां निकाली गई हैं। आवेदन प्रक्रिया 30 मार्च 2024 से शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 28 मई 2024 है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट https://www.mha.gov.in/en पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत एसीआईओ जेआईओ और ऐसे जैसे पदों पर भर्ती की जाएंगी। यहां हर पद के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। शैक्षणिक योग्यताएं से संबंधित जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 18 साल से 27 साल के बीच होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को जरूर देखें। निष्पक्ष मतदान के लिए चुनाव आयोग सख्त। लोकसभा चुनाव 2024 के तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी खत्म हो चुकी है। वहीं निष्पक्ष मतदान के लिए चुनाव आयोग सख्त है। अवैध हथियार के मामले में गिरफ्तारी की रोजाना रिपोर्ट चुनाव आयोग की ओर से मांगी गई है। चुनाव आयोग की ओर से निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। सभी घटना के साथ ही पुलिस की उपलब्धियां की रिपोर्ट चुनाव आयोग की ओर से मांगी गई है। लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित सभी रिपोर्ट को चुनाव आयोग के द्वारा तलब किया जा रहा है। सभी रेंज के आईजी के साथ ही डीआईजी की रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे बिंदेश्वर पाठक के बारे में। ये एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और उद्यमी थे। इनका जन्म आज के दिन वर्ष 1943 में हुआ था। इन्होंने ही बिहार सरकार में मंत्री शत्रुघ्न शरण सिंह के सुझाव पर सुलभ शौचालय संस्थान की स्थापना की थी। बिहार से शुरू हुआ इनका यह अभियान केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी प्रसिद्ध हुआ था। इनके द्वारा किए गए कई कार्यों की सराहना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिली है। इन्हें इनके सराहनीय कार्यों के लिए पद्म भूषण जैसे सर्वोच्च पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। 15 अगस्त 2023 में ये हमें अलविदा कह गए। स्लीपर कोच में टिकट लेने पर एसी में ऐसे करें अपग्रेड। स्लीपर कोच में टिकट लेने पर एसी में उसे अपग्रेड किया जा सकता है। इसके लिए भारतीय रेलवे की ओर से ऑटो अपग्रेडेशन की व्यवस्था की गई है, लेकिन टिकट को बुक करते समय ही यात्रियों को ऑटो अपग्रेडेशन का विकल्प चुनना होता है। इस ऑप्शन को चुनने के बाद ऊपर के क्लास में टिकट बुक किया जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर आपने स्लीपर कोच में टिकट को बुक किया है तो ऑटो अपग्रेडेशन में ये एसी में अपग्रेड हो जाएगा। इसके लिए एक भी पैसे का चार्ज नहीं देना होगा। मालूम हो कि इस ऑप्शन की मदद से थर्ड एसी का टिकट सेकेंड एसी में अपग्रेड हो सकता है। बिहार सक्षमता परीक्षा में पास 92% सफल टीचर को मिली पोस्टिंग। बिहार सक्षमता परीक्षा में पास 92% सफल टीचर को मिली पोस्टिंग। बिहार में शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसके बाद परीक्षा परिणाम की घोषणा होते ही सफल शिक्षकों की तैनाती कर दी गई है। शिक्षा विभाग की ओर से पहले से 8वीं तक के लिए 92% शिक्षकों की भर्ती उनके पसंद के जिले में हुई है। पहली से 8वीं तक के 92% और 6ठी से लेकर 8वीं तक के लिए 75% शिक्षकों को उनकी पहली पसंद के जिला आवंटित किया गया है। मालूम हो कि कक्षा एक से पाँच तक के लिए 1,48,845 शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा दी थी। इनमें से 1,39,000 शिक्षक पास हुए हैं। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 5 मौके दिए जाएंगे। बिहार में अतिथि शिक्षक और पुलिस के बीच झड़प। बिहार में अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त करने का शिक्षा विभाग की ओर से आदेश दिया गया था। बेरोजगार हो जाने के बाद अब अतिथि शिक्षक सीएम आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे। ये मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस कर्मियों और शिक्षकों के बीच झड़प हो गई। इसके बाद अतिथि शिक्षक का कहना है कि पहले हमारी नौकरी ले ली गई, अब हमें लाठी से पिटवाया जा रहा है। दरअसल राज्य में हजारों अतिथि शिक्षकों की सेवा 1 अप्रैल से समाप्त हो रही है। इन्हें मानदेय के आधार पर नियुक्त किया गया था, इसके बाद अब इन्हें हटा दिया गया है।
बिहार के मंत्रियों को सरकारी बंगला आवंटित, सम्राट चौधरी को मिला तेजस्वी यादव का बंगला। बिहार में मंत्रियों को सरकारी बंगला आवंटित कर दिया गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को तेजस्वी यादव का बंगला मिला है। तेजस्वी यादव के साथ ही अब तेज प्रताप यादव का बंगला भी बदल चुका है। राज्य में एनडीए की सरकार के गठन होने के 3 महीने के बाद मंत्रियों के बीच बंगलों को आवंटित किया गया है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को 3 स्टैंड रोड का बंगला दिया गया है। इसमें तेज प्रताप यादव रह रहे थे। वहीं बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को 1 पोलो रोड का बंगला आवंटित किया गया है। वहीं राज्य के मंत्रियों को बंगला अलॉट कर दिया गया है। एक वाहन एक फास्टैग नियम हुआ लागू। नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक वाहन एक फास्टैग नियम को लागू कर दिया गया है। इसका उद्देश्य है कि कई वाहनों के लिए एक फास्टैग का इस्तेमाल या एक वाहन के लिए कई फास्टैग के उपयोग पर रोक लगाना है। अब एक वाहन पर एक से अधिक फास्टैग का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। जानकारी के अनुसार अब अगर किसी के पास एक वाहन के लिए कई फास्टैग हैं तो वह अब इसका उपयोग नहीं कर सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन सिस्टम को बढ़ाने के साथ साथ टोल प्लाजा पर सुगम आवाजाही के लिए इस नए नियम को लागू किया गया है। पटना पुलिस ने कई लोगों को लौटाए चोरी के मोबाइल। बिहार की राजधानी पटना में ऑपरेशन मुस्कान के 8वें चरण में पटना पुलिस की ओर से 1,65,00,000 लोगों के मोबाइल उनके असली धारकों तक पहुंचा दिए गए हैं। इस संबंध में पटना सेंट्रल SP चंद्र प्रकाश ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि 22,60,000 लोगों के मोबाइल उन्हें बुलाकर वापस किया गया है। वहीं कई लोग ऐसे थे जिन्होंने फोन के दोबारा मिलने की उम्मीद को छोड़ दी थी। इसके बाद अपने फोन को वापस मिल जाने के बाद वो काफी खुश हैं। पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मुस्कान के तहत खोए हुए फोन को वापस किया जा रहा है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे मंगला गौरी मंदिर के बारे में। ये मंदिर बिहार के गया जिले में स्थित है। आपको बता दें कि इस मंदिर का निर्माण 15वीं सदी में हुआ था। ये मंदिर 52 महाशक्ति पीठों में से एक है। यहाँ पर माँ सती के शरीर का एक अंग गिरा था, इसलिए माँ सती को समर्पित इस मंदिर की स्थापना हुई। इस मंदिर में पूजा के दौरान स्त्रियाँ 16 प्रकार की चूड़ियाँ, 7 तरह के फल और 5 तरह की मिठाइयाँ चढ़ाती हैं। ये रिवाज लंबे समय से चली आ रही है। इस मंदिर में माँ मंगला गौरी के अलावे भगवान शिव, दुर्गा, माँ काली व देवी के और भी कई स्वरूपों की पूजा होती है। बिहार के कौन कौन से पर्यटन स्थल में आप भ्रमण किए हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लोकसभा चुनाव का नामांकन इस कारण हो सकता है रिजेक्ट। लोकसभा चुनाव का नामांकन रद्द किया जा सकता है, इसके कई कारण हो सकते हैं। चुनाव की घोषणा होने के साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी की भूमिका बढ़ती है। जिले के DM को इस पद पर नियुक्त किया जाता है। DM नामांकन के तिथि की घोषणा करते हैं, इसके लिए अधिसूचना जारी होती है। मालूम हो कि मतदाता सूची में नाम होने के बाद भी कोई भी पर्चा दाखिल कर सकता है। जिला अधिकारी के कार्यालय में नामांकन शुल्क जमा करके पर्चा दाखिल किया जाता है। इसके साथ ही कई तरह की जानकारी देनी होती है। नोटरी स्तर पर शपथ पत्र देना होता है, आय व्यय का ब्यौरा बताना होता है, शैक्षिक योग्यता की जानकारी देनी होती है, पासपोर्ट साइज की फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी जमा की जाती है। भरे गए नामांकन पत्रों की जाँच की जाती है, कुछ भी गलती निकलने पर इसे निरस्त कर दिया जाता है। प्रदेश में अधिक गर्मी से परेशान लोग। प्रदेश में इन दिनों उत्तर दिशा में हवा का प्रवाह देखने को मिल रहा है। सुबह में कई जगहों पर हल्की ठंडी, लेकिन दोपहर होते ही तीखी धूप के कारण अधिक गर्मी से लोग परेशान हैं। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। प्रदेश का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और 36 से 38 डिग्री के बीच में देखने को मिल रहा है। वहीं न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री तक देखने को मिल रहा है। नवादा में लकी ड्रॉ के नाम पर ठगी करने वाले साइबर सातर गिरफ्तार। नवादा में लकी ड्रॉ के नाम पर ठगी करने वाले साइबर सातरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिले के वारिसलीगंज थाना क्षेत्र में साइबर फ्रॉड से जुड़े 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं कुछ अपराधी पुलिस की पकड़ से भागने में सफल रहे हैं। फरार 10 लोगों को चिन्हित कर पुलिस ने इन्हें नामजद आरोपी बनाया है और इनकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और साथ ही आगे की कार्रवाई भी कर रही है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 एंड्रॉइड मोबाइल फोन और 1 कस्टमर डेटा को बरामद किया है। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ हो रही है। इधर नवादा पुलिस ने ठगी के 1,08,000 रुपए की ठगी के मामले में नालंदा जिले के कतरी सराय थाना क्षेत्र के आगी याचक गांव के निवासी जगदीश महतो के बेटे पीयूष कुमार को गिरफ्तार किया है। छपरा शहर से 228 लीटर शराब जब्त। बिहार में शराब तस्करों पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। शराब तस्करों को दबोचने के लिए जगह जगह अभियान चलाए जा रहे हैं।
इसी कड़ी में एक नया मामला छपरा से सामने आया है, जिसके तहत एक ऑल्टो कार से उत्पाद विभाग द्वारा 228 लीटर शराब को बरामद किया गया है। आपको बता दें कि ये कार्रवाई पुलिस ने छपरा शहर के भगवान बाजार थाना क्षेत्र के श्यामचक रेलवे क्रॉसिंग के पास गुप्त सूचना के आधार पर की थी। हालांकि इस दौरान कार चालक फरार हो गया। मामले में आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। उड़ान में देरी से अब विमान से बाहर निकलना संभव। उड़ान में देरी होने पर अब यात्रियों के लिए बाहर निकलना संभव है। इसके लिए नए नियम को लागू किया गया है। हवाई अड्डे के प्रस्थान द्वार से बाहर निकलने की अनुमति लेना संभव है। विमानन सुरक्षा निगरानी संस्था से इससे संबंधित जानकारी साझा की गई है। इस संबंध में दिशा निर्देश जारी हुआ है। इसके अनुसार उड़ान में देरी होने पर यात्री विमान से बाहर निकल सकते हैं। ये नियम अब लागू हो चुका है। यात्रियों को विमान में लंबे समय तक बैठे नहीं रहना पड़ेगा। उनकी सुविधाओं को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इससे पहले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। रोहिणी आचार्य ने किया दावा, सारण की जनता इस बार बदलाव के लिए तैयार। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी और सारण से लोकसभा की प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने दावा किया है कि सारण की जनता बदलाव के लिए तैयार है। आज से रोहिणी आचार्य का जनसंपर्क अभियान शुरू होने जा रहा है। ऐसे में प्रचार शुरू करने से पहले रोहिणी आचार्य ने कहा है कि सारण की धरती पर आए हैं तो जनता साथ देगी। यहाँ के लोग बदलाव के लिए तैयार हैं। हरिहर नाथ मंदिर में पूजा हुई है और बाबा का भी आशीर्वाद मिल चुका है। इस बार के चुनाव में कोई टक्कर ही नहीं है, हमारी जीत पक्की है। रोहिणी आचार्य ने कहा कि उन्होंने सिंगापुर से ही भाजपा के नाक में दम कर दिया था। इस बार सारण में रहकर वे जनता के दुख और सुख में साथ रहेंगी। पीएम नरेंद्र मोदी पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं को देंगे टिप्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। इसी बीच वो आज बूथ कमेटी अध्यक्ष और पन्ना प्रमुखों से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री सभी को 400 पार के लक्ष्य पर टिप्स देंगे। मालूम हो कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर जीत के लिए एनडीए पूरी तरह से तैयारी कर रही है। 4 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी बिहार में जमुई से चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। इससे पहले वो पार्टी के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। दरअसल बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से ये जानकारी साझा की गई है। उन्होंने कहा है कि लाखों कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी से जुड़कर सीधा संवाद करेंगे। इसका लक्ष्य लोकसभा चुनाव की तैयारियों को गति देना है। जदयू के सांसद प्रत्याशी ने ऑटो से किया चुनाव प्रचार। जदयू के सांसद प्रत्याशी दुलाल चंद्र गोस्वामी ने ऑटो से चुनाव प्रचार किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो चुनाव प्रचार के दौरान यात्रियों से बीच बीच में किराया भी लेते हुए नजर आए। दुलाल चंद्र गोस्वामी ने कहा है कि कभी इसी गाड़ी के सहारे उनके परिवार की गाड़ी चला करती थी। परिवार को चलाने के लिए वो पटना में रहकर ऑटो चलाते थे। उनका पहला रोजगार ऑटो ही था। परिवार के लिए मेहनत करके खाना चाहिए, कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि दुलाल चंद्र गोस्वामी नीतीश कैबिनेट में श्रम मंत्री रह चुके हैं। साल 2019 में इन्होंने कटिहार लोकसभा सीट से चुनाव जीता था। पप्पू यादव ने लालू यादव को लेकर कही ये बात। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने लालू यादव को लेकर बयान दिया है कि वो सिर्फ अपने बच्चे को ही परिवार समझते हैं। पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का दावा कर रहे कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने लालू प्रसाद से इमोशनल अपील की है। साथ ही कहा है कि वो हर हाल में पूर्णिया की सीट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। 4 अप्रैल को उन्होंने नामांकन करने की बात कही है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि उनसे कभी कहा जा रहा है कि मधेपुरा से चुनाव लड़िए, सुपौल या अररिया चले जाइए, लेकिन पूर्णिया मेरी जिंदगी है, जीना और मरना दोनों यही है, इनके सिवा और कहीं नहीं जाना है। प्रशांत कसो ने जन सुराज के कार्यकर्ताओं को दिया खास टास्क। प्रशांत कसो ने जन सुराज के कार्यकर्ताओं को टास्क दिया है। उन्हें अब घर घर जाकर लोगों तक जन सुराज की सोच से लोगों को अवगत कराने का टास्क दिया गया है। प्रशांत कसो ने कहा है कि बिहार की जनता भाजपा, राजद, जदयू और कांग्रेस से काफी परेशान है। इन दलों की सरकारों ने बिहार की जनता की कभी चिंता नहीं की है। इस कारण जनता नए विकल्प की तलाश कर रही है। राज्य में शिक्षा की स्थिति ठीक नहीं है। पढ़ाई और रोजी रोटी के लिए पलायन करने की नौबत आ चुकी है। पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर ने कहा कि जन सुराज का कैंप कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर। आईपीएल 2024 में आज आरसीबी का लखनऊ की टीम से होगा मुकाबला। आईपीएल 2024 में आज आरसीबी का लखनऊ की टीम से मुकाबला होगा। इसमें आरसीबी की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ अपना खेल दिखाकर खुद को पटरी पर लाने की कोशिश करेगी। टीम के द्वारा जीतने का पूरा प्रयास किया जाएगा। फिलहाल आरसीबी की टीम 3 मैचों में 2 अंक के साथ 8वें पायदान पर है। कोलकाता नाइट राइडर्स से हार के बाद आरसीबी का रन रेट बिगड़ गया है। वहीं लखनऊ टीम में कप्तान केएल राहुल के फिटनेस को लेकर सभी की चिंता बनी हुई है। आरसीबी की टीम में विराट कोहली ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन किसी अन्य खिलाड़ी की ओर से अभी तक अच्छा प्रदर्शन नहीं किया गया है।
आपके अनुसार आईपीएल 2024 में आरसीबी और लखनऊ सुपर जायंट्स में किस टीम का पलड़ा भारी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1984 में अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा मिशन सोयूज T11 के तहत अंतरिक्ष में आने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने थे। आज के दिन वर्ष 2008 में राम राव समिति ने रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में रक्षा तकनीकी आयोग गठित करने की सिफारिश की थी। आज के दिन वर्ष 2011 में भारतीय क्रिकेट टीम ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका को हराकर आईसीसी विश्व कप 2011 को ट्रॉफी अपने नाम की थी। आज के दिन वर्ष 1943 में बिंदेश्वर पाठक का जन्म हुआ था। ये एक भारतीय समाजशास्त्री और सामाजिक उद्यमी और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे। आज के दिन वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में देश की सबसे लंबी चेनानी नासरी सड़क सुरंग राष्ट्र को समर्पित किया था। न्यू टैक्स रिजीम को लेकर वित्त मंत्रालय ने कन्फ्यूजन को दूर कर दिया है। दरअसल नए वित्त वर्ष में फाइनेंस से जुड़े कुछ नए नियमों में बदलाव किए गए हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर भ्रामक दावे किए जा रहे हैं। वित्त मंत्रालय की ओर से इसको लेकर स्पष्टीकरण किया गया है। इसमें कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नए टैक्स सिस्टम से जुड़े गलत खबर फैलाने की सूचना मिली है। वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 में लोगों के लिए नई आयकर व्यवस्था में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। आईटीआर को फाइल करने के दौरान इस व्यवस्था से बाहर निकला जा सकता है। इस तरह से अपने फोन में YouTube के साथ दूसरे ऐप का भी कर सकेंगे इस्तेमाल। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने फोन में YouTube चलाने के साथ साथ किसी दूसरे काम को नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप अपने फोन में एक फीचर की मदद से YouTube चलाने के साथ ही दूसरा काम भी कर सकेंगे। यानी कि एक ही फोन में एक साथ दो कामों को आसानी से किया जा सकेगा। दरअसल एंड्रॉयड फोन में स्प्लिट स्क्रीन फीचर का ऑप्शन होता है। इसे ऑन करते ही आप एक साथ दो काम कर सकते हैं। इसे ऑन करते ही आपके फ़ोन में की स्क्रीन दो पार्ट में बढ़ जाएंगी और दोनों स्क्रीन पर आप दो ऐप का इस्तेमाल कर सकेंगे। आपके फ़ोन में इस स्क्रीन को ऑन करने के लिए सबसे पहले फ़ोन में दो या दो से अधिक रिसेंट ऐप्स ओपन करने होंगे। फिर जिस ऐप को स्प्लिट स्क्रीन फीचर के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं उस पर लॉन्ग प्रेस करें। फिर यहाँ स्प्लिट स्क्रीन का आइकन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर दें। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे केंद्र सरकार के एक परिवार एक नौकरी योजना के बारे में। ऑनलाइन _ज्ञान37 नाम के एक इंस्टाग्राम पेज के रील में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा एक परिवार एक नौकरी योजना के तहत परिवार के एक सदस्य को नौकरी सरकार द्वारा दी जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। ये दावा पूरी तरह से फर्जी है। PIB फैक्ट चेक ने भी अपने सोशल मीडिया एक्स के लिए प्लेटफॉर्म पर इस खबर को पोस्ट किया है, जहां इस योजना के दावे को पूरी तरह से झूठा बताया गया है और कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई भी योजना संचालन नहीं की जा रही है। इसलिए कभी भी इस तरह की खबर की सत्यता की जांच करे बिना किसी को भी शेयर करने से बचें। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे नए प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना संयुक्ता दिया है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में आई DGCA की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पायलट किस देश में है? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है चीन। इसका सही उत्तर है भारत। हाल ही में किसे असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी है डॉक्टर तपन सैकिया, ऑप्शन सी अक्षय कुमार, ऑप्शन डी है आशीष नेहरा। इसका सही उत्तर है डॉक्टर तपन सैकिया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। शेरशाह सूरी ने बिहार की राजधानी पटना को कब बनाया था? ऑप्शन ए है 1539 में, ऑप्शन बी है 1541 में, ऑप्शन सी है 1547 में, ऑप्शन डी है 1556 में। इसका सही उत्तर है 1541 में। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 1916 में कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है पटना में, ऑप्शन बी है मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन सी है चंपारण में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पटना में। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राजकिशोर महतो, मोहम्मद साकिर हुसैन, रंजीत मिश्रा, गोनर शर्मा, विवेक कुमार मंडल,
विजय यादव, विकास दास, रिंकी कुमारी, राजीव कुमार, राकेश मांझी, कुश कुमार यादव, उमेश ऋषिदेव, अनवर करीम खान, शिव कुमार गुप्ता। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की। रात का सवाल है, शिक्षा विभाग की सख्ती के बाद बिहार के शिक्षा स्तर में आपके मुताबिक पहले से कितना सुधार हुआ है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।